ओके सो लेट्स बिगिन आवर टुडेज लेक्चर। चालू करते हैं। आज हम रेक्टिफायर और लॉजिक गेट्स को खत्म कर लेंगे, है ना। एज वी नो दैट दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको हमें साथ में करके आना है। इसमें आपके क्वेश्चंस जो हैं वो बन सकते हैं सेमीकंडक्टर्स पीएन जंक्शन से बन जाते हैं, पीएन जंक्शन क्या होता है, सेमीकंडक्टर्स की बेसिक प्रॉपर्टी पे बन जाते हैं, है ना, रेक्टिफायर पे बन जाते हैं, रेक्टिफायर क्या होते हैं, है ना, जीनर डायोड्स वगैरह, डायोड्स पे क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना, डायोड्स पीएन जंक्शन ही होता है बेसिकली, ठीक है। तो इसके अलावा आपके लॉजिक गेट्स पे क्वेश्चंस बनते हैं, लॉजिक गेट्स भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा आज। तो काफी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन जनरल सेमीकंडक्टर्स को, आपको पूरा पढ़ के जाना है। लॉजिक गेट्स में कुछ लोग लॉजिक गेट्स को अलग से भी काउंट कर लेते हैं, लेकिन सिंस आप ध्यान से समझो तो अगर लॉजिक गेट में भी मतलब आप लोगों के डायोड्स यूज होते हैं, ठीक है, पीएन जंक्शंस यूज होते हैं, तो फिर आप उसको सेमीकंडक्टर में ही काउंट कर सकते हो, ठीक है। चलो भाई एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं बच्चों, देन वी विल कंटिन्यू विद आवर लेक्चर। सब लोग इसको सॉल्व करेंगे और चैट में आंसर करेंगे। अ डायोड डज नॉट ओबे ओम्स लॉ, कौन सी चीज है जो इनकरेक्ट है आपको ये बतानी है। पीएन जंक्शन डायोड सिंबल शोज एन एरो आइडेंटिफाइंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये सब सारे स्टेटमेंट्स पढ़ो एंड देन सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड आंसर। चैट में आंसर करना है सबको। अरे आंसर क्यों नहीं आया अभी तक, ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है भाई, ये तो इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर क्यों नहीं आया अभी तक। दो बच्चों ने दिया अभी तक, जसनूर और प्रखर। ये तो मैंने पढ़ाया हुआ है लास्ट क्लास में भी, लास्ट टू लास्ट में ही पढ़ा है। आंसर करो भाई, सब लोग क्लास में बैठना नहीं है अब एंड गेम चल रहा है बिल्कुल, ठीक है। गुड इवनिंग रानी, लास्ट का कुछ 4-5 महीने बचे हैं आप लोगों के अब हार्डली। अगर आप अभी भी आंसर नहीं करोगे तो फिर अगले साल रिपीट करना पड़ेगा, जो कि हम चाहते नहीं है कभी भी, है ना। सो डू नॉट लीव एनीथिंग, पार्टिसिपेशन दिखाना है हर चीज में अपना। बिकॉज डायोड एक्सेस ऑन ओपन स्विच ओनली एंड रिवर्स बायस, ओके गुड। तो भाई करा था हम लोगों ने ये डिस्कस, पहले पढ़ा हुआ है हम लोगों ने ये आइडियल डायोड के यस बारे में, सर, यस है ना। सर, तो इसका आंसर बताओ, आंसर कौन सा ऑप्शन है। सी सी ऑप्शन ऑप्शन है ना। फर्स्ट वाला बोल रहा है डज नॉट ओबे ओम्स लॉ, बिल्कुल सही बात है, ट्रू है ये स्टेटमेंट, है ना। हमको पता है डायोड का वीआई ग्राफ हमें पढ़ा हुआ है हमने, अरे ग्राफ पढ़ा हुआ है ना हम लोगों ने, यस सर, थोड़ा नी वोल्टेज तक जाता है, उसके बाद काफी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है, यस सर, और यहां से भी बहुत रिवर्स बायस में भी बहुत कम करंट ड्रॉ करता है, और फिर एकदम से ब्रेक डाउन होने के बाद मैसिव करंट रिलीज कर देता है ना। पढ़ा हुआ है ना भाई ये वीआई ग्राफ डायोड यस का। सर, यस सर, तो ओम्स लॉ फॉलो कहाँ कर रहा है ये, करता है क्या ओम्स लॉ फॉलो। ओम्स लॉ तो क्या नो, बोलता है, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, स्ट्रेट लाइन बोलता है ना, स्ट्रेट लाइन कर्व निकालने के लिए बोलता है ओम्स लॉ, तो स्ट्रेट लाइन कर्व थोड़ी ना है ये, राइट। सो दिस डज नॉट फॉलो, डज नॉट ओबे ओम्स लॉ, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, तो आंसर होगा नहीं, इनकरेक्ट बताना है हमें।
A p junction diode symbol shows an arrow identifying the direction of current forward flow. Forward flow के केस में हमारा जो एरो है वो यही तो बताता है जो सिंबल yes, इसका इसमें yes, जो एरो ये जो एरो दिख रहा है आपको है ना, ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट ही तो बता रहा है। देखो एरो भी इधर आ रहा है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट भी इधर, ये पी से एन की तरफ जाता है ना फॉरवर्ड फ्लो में, फॉरवर्ड फ्लो की बात तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। दिस ऑल्सो कैन नॉट बी योर आंसर। एन आइडियल डायोड, अब इसकी बात हो रही है, आइडियल डायोड इज एन ओपन स्विच, बिल्कुल सही बात है। आइडियल डायोड का ग्राफ याद आ रहा है आई और वी का, आइडियल डायोड के केस में हमने डिस्कस किया था कि रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस में कैसे एक्ट करता है, ये कुछ ऐसे बनता है इसका ग्राफ। यस सर, यस सर, है ना, हार्ड लाइंस बनती हैं बिल्कुल एकदम। क्योंकि ऐसा क्यों बनता है ग्राफ बच्चों, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, जीरो जीरो, है ना, और तो करंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। और रिवर्स बायस में इनफाइनाइट, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इनफिनिट की तरफ टेंड करता है, है ना। तो भाई अगर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो जाएगा तो करंट ही फ्लो नहीं करेगा, है ना, जीरो करंट हो जाएगा ऑलमोस्ट, ये ओपन स्विच की तरह बिहेव करेगा ना। यस सर, ओपन स्विच का मतलब यही तो होता है बच्चों, कोई कई सर्किट बना हुआ है, अगर कोई सर्किट बना हुआ है ना, ये तुम्हारा सर्किट है और यहाँ पे अगर तुम्हारा स्विच ओपन है ना, क्लोज नहीं है, तो ये करंट फ्लो करेगा क्या यहाँ से? नो सर, नो सर, करंट जीरो हो जाता है ओपन स्विच में, तो ओपन स्विच ही तो है यहाँ पे, ये ओपन स्विच में रेजिस्टेंस इन्फिनिट है, तो यानी कि करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो सही बात है ये। आइडियल, एन आइडियल डायोड इज एन ओपन स्विच, ठीक है, एन आइडियल डायोड इज एन ओपन स्विच, नहीं गलत बात है, क्योंकि ये ओपन स्विच इन जनरल नहीं है, है ना, ये बात इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है ये? क्योंकि ये सिर्फ रिवर्स बायस के केस में ओपन स्विच होता है, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस के केस में ओपन स्विच की तरह बिहेव करता है, फॉरवर्ड बायस के केस में तो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इन्फिनिट करंट दे देता है ना, रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो हो जाता है, तो करंट तो बहुत सारा मिलता है, तो ओपन स्विच की तो बात ही नहीं आती वहां पे, है ना। तो आप ऐसे जनरलाइज तरीके से नहीं बोल सकते हो कि आइडियल डायोड इज एन ओपन स्विच, है ना, इसमें जनरलाइज तरीके से बोला जा रहा है, बात समझ में आ रही है? यस सर। एन आइडियल डायोड इज एन आइडियल वन वे कंडक्टर, वन वे कंडक्टर तो होता ही है, एक तरफ ही फ्लो करता है ना उसमें, या तो फॉरवर्ड फ्लो, क्या बोलते हैं, रिवर्स फ्लो, है ना, सॉरी आप लोगों का, या तो फॉरवर्ड फ्लो होगा, है ना, फॉरवर्ड बायस होगा या रिवर्स बायस होगा, है ना। चलो भाई, तो ये भी ट्रू हो गया, सो ओनली वन स्टेटमेंट इज फॉल्स, विच इज थर्ड स्टेटमेंट। आगे चले? यस सर, ठीक है। तो भाई क्या क्या पढ़ा था हमने, एक तो वी आई करेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली थी हम लोगों ने, है ना, वी आई करेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली थी, याद आ रहा है, जो अभी अभी डिस्कस किया हम लोगों ने। कैसे ये फॉरवर्ड बायस के केस में एक पर्टिकुलर नी वोल्टेज के बाद राइज कर जाता है करंट, है ना, और बहुत ही कम करंट ड्रॉ होता है रिवर्स बायस के केस में, एंड देन ब्रेक डाउन हो जाता है, ब्रेक डाउन वोल्टेज पे, क्या बोलते हैं इस पॉइंट को, ब्रेक डाउन वोल्टेज, वोल्टेज, है ना, रिवर्स बायस के केस में होता है ये, और फॉरवर्ड बायस में नी वोल्टेज पे, नी वोल्टेज के बाद ये क्या करता है, ब्रेक डाउन कर जाता है, हाँ, बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर जाता है, एक्सपोनेंशियली करंट इंक्रीज कर जाता है नी वोल्टेज के बाद में। तो ये सब होता क्यों है, क्योंकि रिवर्स बायस के केस में क्या होता है बच्चों, रिवर्स बायस के केस में आप लोगों के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स पास नहीं कर पाते ना डिप्लीशन लेयर पे, यस सर, करंट इतना कम क्यों ड्रॉ हो रहा है, क्योंकि तुम्हारा जो चार्ज कैरियर्स है ना वो पास ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि डिप्लीशन लेयर बड़ी हो जाती है रिवर्स बायस के केस में, याद आ रहा है ना। रिवर्स बायस के केस में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, जैसे पी और एन जंक्शन होता है, पी एन जंक्शन, तो इसमें पी टाइप में होल्स हो गए, है ना, इधर इलेक्ट्रॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन ना तो इधर जा पा रहे हैं ना होल्स इधर जा पा रहे हैं, है ना, जा नहीं पा रहे इधर की तरफ, ठीक है, क्योंकि रिवर्स बायस कर दिया आपने, पी को आपने कनेक्ट कर दिया है किससे, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल से, है ना, इसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया रिवर्स बायस के केस में,
तो इस केस में आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होते हैं, यानी कि पी में माइनॉरिटी कौन है? इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स और एन में कौन है? होल्स. होल है ना. तो ये जरूर मूवमेंट दिखा देते हैं. तो इनके फ्लो से थोड़ा सा करंट ड्रॉ होता है, बहुत है ना, बहुत ही कम करंट ड्रॉ होता है, ठीक है, माइक्रो एम्पियर. तो यहां तक तो ऐसा होता है, लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है कि एक पर्टिकुलर तुम वोल्टेज बढ़ाए जा रहे हो, है ना, रुक ही नहीं रहे हो तुम जीवन में. तो वोल्टेज बढ़ाते जाओगे तो ऑब्वियसली जो आपके कैरियर्स हैं, चार्ज कैरियर्स हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, उनको काइनेटिक एनर्जी मिलने लगेगी ना भाई. Yes, अगर आप वोल्टेज बढ़ाओगे, वोल्टेज क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या का मतलब क्या होता है कि आप कहीं ना कहीं पोटेंशियल एनर्जी दे रहे हो ना सिस्टम को, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, राइट. तो अगर आप एनर्जी प्रोवाइड करते जाओगे तो काइनेटिक एनर्जी तो कहीं ना कहीं अक्वायर करेगा ना भाई पार्टिकल. ऐसा थोड़ी है कि तुम कितनी ही एनर्जी दे दो उसको कुछ नहीं होने वाला, कहीं ना कहीं से तो एनर्जी ले लेगा वो. और जब एनर्जी ले लेगा तो उस एनर्जी लेने के बाद क्या करेगा वो? मूव करने लगेगा, तो कोलिजन्स होने लगेंगे, है ना. कोलिजन्स होने लगते हैं तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनने लगते हैं और भी ज्यादा ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन जाते हैं. तो आपका करंट एकदम से बहुत ज्यादा ड्रॉ हो जाता है ना, बहुत सारा करंट ड्रॉ हो जाता है एकदम से, तो ब्रेकडाउन आ जाता है करंट का. भूल गए? यस सर. आईबी है ना, ब्रेकडाउन करंट, ठीक है, एकदम से बहुत ज्यादा करंट ड्रॉ हो जाता है. रिवर्स बायस के केस में भी होता है ऐसा, ठीक है, रिवर्स बायस के केस में भी ऐसा होता है. ये हमने पढ़ा था, याद आ रहा है सब कुछ चीजें या भूल चुके हैं हम लोग? सही याद आ रहा है ना. उसके बाद हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, रिवर्स ब्रेकडाउन के बारे में थोड़ा पढ़ लिया था कि दो तरह के होते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन, है ना. जब रिवर्स ब्रेकडाउन को हमने समझ लिया था तो फिर उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया था कि भाई ये जो रिवर्स ब्रेकडाउन है ये होते हैं दो तरह के. एक होता है ज़ीनर ब्रेकडाउन. यस सर. एक होता है एवलांच. याद आ रहा है कुछ ऐसा पढ़ा था? यस सर, याद है ना. ज़ीनर ब्रेकडाउन में क्या होता है भाई? हाईली डोप्ड होता है क्या? हाँ जी सर. सेमीकंडक्टर हाईली डोप्ड होता है, है ना. तो डिप्लीशन लेयर क्या होती है? बहुत ज्यादा थिन डिप्लीशन लेयर होती है. और थिन डिप्लीशन लेयर होती है अगर, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स पास हो जाते हैं, है ना. चार्ज कैरियर्स एकदम से पास कर जाते हैं और वोल्टेज बढ़ाने पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन जाते हैं बहुत सारे, है ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन जाते हैं. तो इसकी वजह से क्या होता है आपका? वही ब्रेकडाउन हो जाता है ना, ब्रेकडाउन हो जाता है, करंट बहुत सारा एकदम से जनरेट हो जाता है ना. और एवलांच में क्या होता है भाई? मॉडरेटली डोप्ड होता है क्या? यस सर. यस सर. मॉडरेटली डोप्ड. तो इसमें जो आपकी डिप्लीशन लेयर होती है वो ठीक होती है. लेकिन इसमें क्या होता है? कोलिजन्स होने लगते हैं. क्या होने लगते हैं? Collisions. Between minority charge carriers, है ना. और उसकी वजह से अगेन इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाते हैं तो करंट बढ़ जाता है ना, करंट एकदम से बढ़ जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है आप लोगों का. समझ में आता है ये बात? Yes, sir. है ना. थोड़ा बहुत रिविजन वैसे आप लोग कर लिया करो, अभी तो आप लोगों के पास चलो पीडीएफ वगैरह नहीं होगी, बट अगर आप क्लास में भी ध्यान दिया होगा ना आप लोगों ने तो आपको पता होगा ये चीज, कि थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा होगा कि हाँ ये सब पढ़ा हुआ है और आता है. आया ना? Yes, sir. Yes, sir. इसके आगे क्या पढ़ा था बच्चों? इसके आगे क्या पढ़ा था? ज़ीनर डायोड. वेरी गुड. ज़ीनर डायोड में क्या पढ़ा था? फॉरवर्ड बायस में ज़ीनर डायोड. पहली बात तो दिखता कैसा है ये? ऐसा कुछ दिखता है क्या? Yes, sir. ऐसा कुछ जेड साइन? Yes, sir. एन वाला जो आपका सेमीकंडक्टर होता है, एन जंक्शन जो होता है, वो आपका जेड की तरह दिखता है बेसिकली. तो इसमें आपने पढ़ा था कि फॉरवर्ड बायस में ये नॉर्मल पीएन जंक्शन की तरह बिहेव करता है. किसकी तरह करता है? नॉर्मल पीएन जंक्शन की तरह बिहेव करता है, ठीक है. जो ज़ीनर डायोड है वो बेसिकली रिवर्स बायस में, ज़ीनर डायोड उसका काम आता है बेसिकली रिवर्स बायस में. क्या हो जाता है ये? क्या बन जाता है? वोल्टेज स्टेबलाइजर, है ना. याद आ रहा है पढ़ा था? यस सर. वोल्टेज स्टेबलाइजर की तरह बिहेव करता है ना.
हम जब हमने इसको जब कैसे यूज करते हैं हम इसको, कि आपका जो लोड होता है उसके पैरेलली आप लगा देते हो जीना डायोड को, है यस ना, पैरेलली लगा देते हो, तो इसके अक्रॉस एक ब्रेकडाउन वोल्टेज एस्टेब्लिश कर देता है ना। तो जो एक्सेसिव करंट होता है वो कहाँ से पास हो जाता है, सर, जीना डायोड से। ब्रेकडाउन करंट जो होता है एक्सेसिव करंट वो पास कर जाएगा जीनर डायोड से, और आपका लोड जो है, आपका लोड जो है वो सुरक्षित रहेगा, बच जाएगा डैमेज होने से। याद आ रहा है ये सब चीजें पढ़ी थी लास्ट क्लास में, यस सर। पक्की बात, कुछ डाउट है यस इसमें, सर। नो नो सर। सर। आगे चलें, यस यस सर। सर। ठीक है, सबको दिख रहा है यस सर। यस। क्या टॉपिक होगा, पीएन जंक्शन एज रेक्टिफायर। रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करता है बच्चों, रेक्टिफायर का क्या काम हो सकता है, रेक्टिफायर आपका इट इज जस्ट यूज फॉर वन थिंग, इट इज यूज टू कन्वर्ट एसी सप्लाई इनटू डीसी सप्लाई। क्या करता है ये, एसी एसी सप्लाई को सप्लाई डीसी को, डीसी में चेंज करते हैं। यस, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के काम आता है ये, है ना। यानी कि आपकी जो सप्लाई है ना उसको यूनिडायरेक्शनल बना देता है ये, क्या बना देता है ये, यूनिडायरेक्शन। यूनिडायरेक्शनल बना देता है ना, एक डायरेक्शन बना देता है। भी ऑल्टरनेटिंग करंट में तो दोनों डायरेक्शंस होती है ना, प्लस पॉजिटिव नेगेटिव, प्लस माइनस में चलता है आपका ऑल्टरनेटिंग करंट तो, है ना। तो उसमें आप यूज करते हो रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर बेसिकली कंस्ट्रक्शन अगर हम बात करें रेक्टिफायर की, तो वो कैसे, एसी सप्लाई सबको पता है ना बेटा, एसी सप्लाई क्या होती है, यस सर। पॉजिटिव यस। नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये पढ़ा हुआ है ना तुम लोगों ने ऑल्टरनेटिंग करंट में, है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। तो इसका एक बार कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं, कैसे ये एक्ट करता है, क्या कंस्ट्रक्शन होता होगा। तो जैसे मान लो ये एसी सप्लाई आ रही है तुम्हारे पास, एसी सप्लाई आ रही है तुम्हारे पास, है ना, तो तुमने इसको पास करा दिया रेक्टिफायर से, ये है आपका रेक्टिफायर, ठीक है। क्या क्या चीज यूज हो रही है इसमें, एक तो यूज हो रहा है ट्रांसफॉर्मर, क्या यूज हो रहा है बच्चा, ट्रांसफॉर्मर, प्राइमरी ट्रांसफॉर्मर। कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, ट्रांसफॉर्मर पढ़ा हुआ है ना, थोड़ा सा आइडिया होगा ट्रांसफॉर्मर यस कितना कैसा है ना। तो ट्रांसफॉर्मर का यूज होता है इसमें, साथ में इसमें डायोड का यूज होता है, पीएन जंक्शन का यूज होता है, दिख रहा है आपको डायोड यहाँ पे, है यस सर। यस सर। ना। तो डायोड और ट्रांसफॉर्मर के यूज करके हम क्या बनाते हैं, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर, रेक्टिफायर। लोड से हम इसको पास कराते हैं, और आप जैसे कि देख सकते हैं सप्लाई को इसने कन्वर्ट कर दिया, आउटपुट जो इसका निकला वो निकला डीसी आउटपुट, है ना, एक डीसी आउटपुट में इसने कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों था, दोनों डायरेक्शन में था करंट, है ना, दोनों डायरेक्शन में सप्लाई थी आपकी, यहाँ पे केवल पॉजिटिव और पॉजिटिव, है ना। यस सर। अरे समझ में आ रहा है यस सर। ना, तो इस तरह से ये कन्वर्ट कर देता है एसी को डीसी में, ठीक है। तो इसको समझते हैं, थोड़ा पढ़ेंगे कैसे करता है ना, कैसे काम करता है, कौन कौन से तरह के होते हैं। तो सबसे पहले इसके टाइप समझते हैं हम, क्योंकि मेनली इंपॉर्टेंट वही है, टू टाइप्स, देर आर टू टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर्स, कौन कौन से होते हैं भाई, फर्स्ट वन इज हाफ वेव रेक्टिफायर, एंड सेकेंड वन इज फुल वेव। फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, दो तरह के होते हैं, हाफ वेव एंड फुल वेव। सबसे पहले हाफ वेव वाला पढ़ते हैं, यहाँ पे जो आपको डायग्राम दिखा रखा है वो भी हाफ वेव रेक्टिफायर का ही है, ठीक है। तो भाई हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, स्क्रीन विजिबल है ना सबको, यस सर। हाफ वेव रेक्टिफायर में जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आपने क्या किया, अपना एसी सोर्स लाए आप, प्लस माइनस, प्लस माइनस, है ना, ये आपका इनपुट है लेट से,
है ना, लेट से ये इनपुट है, इसको आपने पास कराया आपके हाफ वेव रेक्टिफायर में, ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर में आपने पास करा दिया ये, तो ये कैसा बन के निकलेगा बेटा, ये आपका आउटपुट है, ये आपका कुछ ऐसे बन के निकलेगा, यहां से यहां तक जाएगा सेम रहेगा, यहां से यहां तक ये ऑलमोस्ट जीरो वैल्यू देगा, जीरो रीडिंग देगा ये, है ना, सप्लाई की जीरो रीडिंग देगा। इसको मैं दूसरे कलर से ड्रॉ कर देता हूं, देन वापस से प्लस, है ना, एंड देन अगेन जीरो रीडिंग, दैट मींस कि इसने इसको क्या कर दिया, डीसी में कन्वर्ट कर दिया बेसिकली, है ना। आप अगर इसको एक्स वाई ले लेते हो लोड के अक्रॉस, आपने मान लो लेट से एक्स वाई ले लिया कि तुम्हारा जो लोड है इसके अक्रॉस तुम निकाल रहे हो ना सप्लाई, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं बेसिकली हम सप्लाई का, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं ईएमएफ, ठीक है। तो जो अक्रॉस लोड है या वोल्ट अक्रॉस आउटपुट बेसिकली हम निकालना चाह रहे हैं कि आउटपुट पे कितना सप्लाई आ रहा है, आउटपुट पे कैसा सप्लाई आ रहा है, तो सप्लाई क्या हो जाएगा आपका, यूनिडायरेक्शनल हो जाएगा, सबको दिख रहा है, यस सर, यस सर, है ना, यूनिडायरेक्शनल सप्लाई हो जाती है, ठीक है। होता क्या है बेसिकली इसमें, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमने यहाँ पे डायोड लगा रखा है, ये दिख रहा है सबको, है ना, यस सर, एक डायोड लगा रखा है, एक डायोड लगा रखा है, तो इसको अगर हम बनाए यहाँ पे, तो आपने जैसे कि यहाँ पे एक सप्लाई ले ली, एसी सप्लाई ले ली मान लो यहाँ पे तुमने, ना ट्रांसफॉर्मर से कनेक्ट किया इसको, यहाँ पे तुमने लगा दिया पीएन जंक्शन, ना यहाँ पे लोड है, अब यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट है, अगर बच्चों ध्यान से समझना, अगर यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट है, एक यहाँ पे जो सप्लाई है वो ले लेते हैं 220 वोल्ट की सप्लाई है लेट से 6 वोल्ट के साथ में, ये आपका कुछ अल्टरनेटिंग करंट है, तो लेट से ये 220 वोल्ट पे है ना, तो अगर आप यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट ले रहे हो तो ये पोलैरिटी चेंज होगी ना बेटा, एक बार तो ये प्लस हो जाएगा, एक बार माइनस हो जाएगा, यही बात समझ में आ रही है, जब सप्लाई जाएगी पीएन जंक्शन में, जो सप्लाई जाएगी है ना, तो वो एक बार तो प्लस रहेगी, एक बार माइनस रहेगी, पोलैरिटी चेंज होती है ना, यहाँ पे भी एक बार प्लस रहेगी, एक बार माइनस रहेगी, क्या ये बात समझ में आ रही है। Yes, जब आप एसी सप्लाई के थ्रू पीएन जंक्शन में क्या करोगे, आप करंट को एंटर कराओगे, है ना, सप्लाई को एंटर कराओगे, तो एक बार जब ऊपर की तरफ से यहां से जा रहा है करंट, यहां से ऐसे जा रहा है, मान लो ऐसे जा रहा है, ऐसे है ना, ये साइकिल बना रहा है करंट, तो एक बार तो प्लस से यहाँ पे ऊपर प्लस रहेगा, है ना, और आपके पी वाले सेक्शन से, पी वाले जंक्शन से एन वाले तक प्लस से माइनस बन के जाएगा करंट, यानी फॉरवर्ड बायस में जाएगा, इज दैट राइट, यस सर, है ना, और फिर अल्टरनेटिंग करंट है ना, ये एसी सप्लाई है, तो एक बार चेंज भी हो जाएगा क्या, ये यस सर, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, क्या ये दोनों चीजें समझ में आ रही है आपको, यस सर, है ना। अब ध्यान से मुझे देख के बताओ, क्या जब ये पॉजिटिव जाएगा, है ना, देखो ये पॉजिटिव वाला जब रहेगा, सबको दिख रहा है ये पॉजिटिव वाला करंट, पॉजिटिव वाली सप्लाई, है ना, तो जब पॉजिटिव सप्लाई रहेगी तब तो आपका फॉरवर्ड बायस में एक्ट करेगा पीएन जंक्शन, तो वो आउटपुट दे देगा, ये दिख रहा है सबको आउटपुट, लेट से ये डायोड वन है, तो इसकी वजह से आउटपुट आ गया, है ना, पॉजिटिव का पॉजिटिव रहा, है ना, उसने अपना आउटपुट दे दिया, लेकिन जब ये नेगेटिव हो जाएगा अगली साइकिल में, है ना, लेट से इसको हम साइकिल बोल देते हैं कि ये साइकिल में ऑपरेट हो रहा है ना, तो ये टी बाय टू हाफ साइकिल है आपकी, लेट से इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ ताकि ग्राफ में हम नोट कर सके, लेट से ये आपकी टी बाय टू हाफ साइकिल है ना, फिर टी बाय टू से टी तक, टी बाय टू समझना कैसे वेरी कैसे करती है ऑल्टरनेटिंग करंट, कैसे चेंज होती है, आधी आधी साइकिल में तो वो प्लस रहती है, आधी साइकिल में माइनस हो जाती है, ये बात पता है ना, एसी पढ़ के आए हो आप लोग, yes, है ना, आधी में प्लस रहती है, आधी में माइनस हो जाती है, तो जब आधी रहेगी बेटा प्लस, तब वो फॉरवर्ड बायस में बन जाएगा आपका पीएन जंक्शन, जो ऑपरेशन का तरीका इसका, वो फॉरवर्ड बायस में करेगा, है ना, क्योंकि पी से एन की तरफ जा रहा है ना करंट, यस सर, क्या ये बात समझ में आ रही है सबको, यस सर, है ना,
फर्स्ट साइकिल में जीरो से टी बाय टू की साइकिल में आपका पीएन जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट हो रहा है, प्लस से माइनस। तो प्लस से माइनस हो या फॉरवर्ड बायस हो तब तो आपका आउटपुट आएगा ना। अरे आउटपुट आता है ना फॉरवर्ड बायस में तो, है सो ना। और जब टी बाय टू से आप जाओगे इसमें टी में, है ना, आधी हाफ साइकिल जो आएगी जिसमें कि आपका पीएन जंक्शन क्या हो जाएगा भाई, रिवर्स बायस, नेगेटिव बायस है ना, रिवर्स बायस हो जाएगा ना, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा अगले टी बाय टू से टी वाली साइकिल में। तो उसमें आपकी रीडिंग नहीं आएगी, है ना, उसमें आपकी रीडिंग नहीं आएगी, बहुत माइक्रो, बहुत कम रीडिंग आएगी जिसको हम ऑलमोस्ट कंसिडर नहीं करेंगे, है ना। और पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे तो हम उसको मान लो कि कंसिडर बिल्कुल नहीं करेंगे कि वो सप्लाई ऑलमोस्ट नहीं आ रही है, ठीक है। बहुत कम करंट आता है, वैसे करंट भी बहुत कम आता है। तो टी बाय टू से लेकर टी तक अगली वाली हाफ साइकिल तक कोई आउटपुट नहीं आने वाला, क्या ये बात समझ में आ रही है। यस सर और टी से फिर टी प्लस टी बाय टू, है ना, यानी 3T/2 अगली वाली जो हाफ साइकिल आएगी उसके लिए फिर से पॉजिटिव हो जाएगी पोलैरिटी, है ना। तो फिर से फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा, तो फिर से आउटपुट आ जाएगा, बात समझ में आ रही यस सर है ना। तो ऐसे ही चलता रहेगा ना ये, जब तक वो फॉरवर्ड बायस में रहेगा तब तक आउटपुट देता रहेगा, क्योंकि हमने एक डायोड यूज किया, एक डायोड। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में हमारा ये एसी से डीसी में कन्वर्ट कर पा रहा है इसको, ठीक है, क्योंकि एक साइकिल में ये रिवर्स बायस में चले जाता है जिसमें कि आपका कोई आउटपुट नहीं आता है, क्या ये बात समझ में आई, ठीक यस है। सो दैट्स हाउ आप, दैट्स हाउ योर हाफ वेव रेक्टिफायर वर्क्स, ऐसे वर्क करेगा, ठीक है। अब इसमें ऑब्वियस ही बात है कि इसमें कंटिन्यूस सप्लाई नहीं आ रही, क्योंकि बीच में सप्लाई आपकी टूट रही है, रियलाइज हो रहा है आपको ये बात, आपकी कंटिन्यूस सर सप्लाई नहीं आ रही है। तो फिर उसके लिए हमने क्या बनाया, उसके लिए हमने बनाया अपना फुल वेव रेक्टिफायर। क्या बनाया बच्चा, फुल वेव रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर, यानी कि ये हाफ वेव में रेक्टिफाई नहीं करेगा, ये पूरे फुल वेव में रेक्टिफाई कर देगा, ठीक है। तो अब आप उसको, अब आप गैस कर सकते होंगे कि कैसे ऑपरेट करेगा ये, ठीक है। इसको भी बना देते हैं, इसका ग्राफ, या आपने इनपुट लिया, कोई एसी वाला इनपुट, है ना, इसको पास करा दिया आपने फुल वेव रेक्टिफायर से, कैसा बन गया भाई ये। पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा, यस सर इसका कलर चेंज कर देते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। और ये जो नेगेटिव वाला है आपका, ये भी आपका करेक्ट होके पॉजिटिव में चला जाएगा, यानी आपकी सारी साइकिल्स में केवल पॉजिटिव वाली या यूनिडायरेक्शनल सप्लाई आपको मिलेगी आउटपुट में, है ना। ये आपका एक्स वाई के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। तो क्या आपको ये रियलाइज हो रहा है कि आपने ये डीसी में कन्वर्ट कर दिया, यूनिडायरेक्शनल कर दिया है सप्लाई को। अरे बेटा समझ में आ यस रहा है, प्लस माइनस में नहीं सर चल रहा है अब आपका, अब आपका केवल प्लस में चल रहा है, या केवल माइनस में अगर जाता है तो केवल माइनस में जाएगा। बेसिकली आपका कंप्लीटली एक डायरेक्शन में हो चुका है अब ये सप्लाई, है ना। और इसको कैसे किया हमने, इसको समझ लेते हैं एक बार के लिए। इस बार हमने वही एसी सप्लाई ली, ये आपकी प्राइमरी कॉइल ट्रांसफार्मर की, ये आपकी सेकेंडरी कॉइल ट्रांसफार्मर की, यहां पे आपने लगाया अपना पीएन जंक्शन, ठीक है, और यहां पे आपने अपना एक और डायोड लगा दिया, डायोड नंबर टू लगा दिया, ठीक है, और बीच में लगा दिया आप अपने लोड लगा दिया बीच में, ठीक है। ये हो गया आपका एक्स, ये हो गया आपका वाई, एक्स वाई के बीच में अगर आपको लेना है तो, ठीक है, ये लोड हो गया आपका, समझ में आ रहा है डायग्राम सबको। यस सर ये हो जाएगा डायोड नंबर वन, ये हो जाएगा डायोड नंबर टू, दो डायोड लगा दिए अब आपने, ठीक है। अब हम समझते हैं क्या होने वाला है। अब जब आपका स्क्रीन कहाँ गई, ओके, अब जब आपका
करंट की, अब आपकी जब सप्लाई की पोलैरिटी चेंज होगी वही सेम रहेगी। अच्छा यहाँ पे जो सप्लाई है ट्रांसफार्मर की भी जो आप लोगे वो 220 वोल्ट से 12 वोल्ट ले लेना, क्योंकि अब आप दोनों डायोड में सप्लाई करने वाले हो, राइट। अब यूनिडायरेक्शनल नहीं है आपका, है ना, दोनों तरफ सप्लाई करने वाले हो आप दोनों डायोड्स को, ठीक है ना। पहले 6 वोल्ट क्यों ली थी, क्योंकि एक की तरफ चाहिए था, राइट। सो फर्स्ट इट विल बी प्लस माइनस ऊपर और प्लस माइनस नीचे, बात समझ में आ रही है? Yes, sir. है ना। तो जब ये ऊपर प्लस और नीचे माइनस होगा, ध्यान से समझना, जब ये ऊपर प्लस और नीचे माइनस होगा तब ये वाला डायोड तो आपका हो जाएगा फॉरवर्ड बायस में, yes, sir. है ना, और ये वाला डायोड नीचे वाला रिवर्स बायस में हो जाएगा क्या? Yes, sir. बात समझ में आ रही है? तो एक तरफ तो करंट आएगा, एक तरफ तो सप्लाई आएगी इस वाले में, इस फर्स्ट साइकिल में, है ना। तो जीरो से टी बाय टू तक तो आपका डायोड नंबर वन दे देगा आउटपुट, है ना, क्योंकि डायोड टू में तो, अरे समझ रहे हो ना, डायोड वन में तो आपका आउटपुट आ रहा है और डायोड टू में आउटपुट नहीं आ रहा है, बात समझ में आ रही है, क्योंकि वो रिवर्स बायस में चला गया है। बेटा हाँ या ना बोलो, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? Yes, है ना। लेकिन अगली साइकिल में जब पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, यानी कि ऊपर प्लस, ये तो फर्स्ट हो गया, सेकंड वाले में जब ऊपर माइनस हो जाएगा नीचे प्लस हो जाएगा, तो डायोड नंबर टू आपका एक्शन में आ जाएगा, क्योंकि ये वाला डायोड अब हो जाएगा रिवर्स बायस में, है ना, और ये वाला नीचे वाला डायोड नंबर टू ये किस में हो जाएगा बेटा? रिवर्स बायस में। नीचे वाला फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड बायस में, है ना। तो अब इससे सप्लाई आ जाएगी, तो ये कर देगा आपके करंट को पॉजिटिव, बात समझ में आ रही है? ये क्या कर देगा आपकी करंट को? यूनिडायरेक्शनल कर देगा, है ना। तो ये वाला जो करेक्शन आया है, ये वाला जो आउटपुट आया है, वो किसकी वजह से आया है? किसकी वजह से आया सेकंड वाला आउटपुट? सो फुल फॉरवर्ड बायस की वजह से, सेकंड वाले डायोड की वजह से, D2 की वजह से। किसकी वजह से आया है? D2 की वजह से। D2 की वजह से, ठीक है। फर्स्ट वाला करेक्शन आया था D1 की वजह से, सेकंड वाला है D2 की वजह से। तो अब ये फ्लो करा देगा आपका, ठीक है। तो बेसिकली दो, एक फुल वेव में दोनों हाफ वेव साइकिल, हाफ साइकल्स बन रही है। तो जीरो से टी बाय टू में D1 वाला करा दे रहा है ऊपर वाला डायोड, फिर नीचे वाला फॉरवर्ड बायस में आके नीचे वाला करा दे रहा है। तो बेसिकली आपकी हर साइकिल में क्या हो जाएगा, आपका सप्लाई आउटपुट आएगा। समझ में आया कैसे फुल वेव रेक्टिफायर कंटिन्यूस आपको सप्लाई दे पा रहा है? यस सर, यस सर। एंड दिस विल बी डीसी, ऑब्वियसली डायरेक्ट करंट, है ना, डीसी सप्लाई हो जाएगी आपकी। कूल, क्लियर है? क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, चलो भाई, तो ऐसे हम रेक्टिफाई करते हैं। अच्छा, यूज कहाँ आते हैं रेक्टिफायर्स? रेक्टिफायर्स यूज कहाँ आते हैं? एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। हाँ, वेरी गुड। और हम डे टू डे लाइफ में कहाँ यूज करते हैं? सारे अप्लायंसेस में। चार्जिंग में यूज नहीं करते? फोन के चार्ज में, फोन चार्ज करते हो ना तुम अपना बेसिक, तुम्हारे पास एसी सप्लाई तो आती है, डायरेक्ट डीसी सप्लाई थोड़ी आती है आपके बोर्ड में, स्विच बोर्ड में। तो वो सभी में, सभी अप्लायंसेस में एसी आती है, अभी वो डीसी में कन्वर्ट होती है। डीसी में कन्वर्ट करना पड़ता है हमको। यस सर। हमारा जो फोन, हम जो फोन चार्ज करते हैं वो आपको एसी थोड़ी ना चार्ज कर सकता है। यस सर। यू नीड डीसी फॉर दैट। तो रेक्टिफायर यूज होता है चार्जर्स वगैरह में, है ना, इन सब में यूज आप लेते हो रेक्टिफायर्स को, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है एसी में, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए ये सबको याद रखना है। अच्छा, हमने एक चीज बीच में स्किप करी थी बिकॉज वो सिलेबस का पार्ट नहीं था, ठीक है, लेकिन हमें उसका मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि ये ना वो काम आता है, उसका नाम था ट्रांजिस्टर, याद है ना? ट्रांजिस्टर बोला था ना मैंने, है ना, सिलेबस में नहीं है एज इन, बट फिर भी काम आता है। तो क्या काम आते हैं ट्रांजिस्टर? ट्रांजिस्टर काम आते हैं आपकी सप्लाई को इंप्रूव करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, है ना, कोई भी सिग्नल को इंक्रीज करना है, इंप्रूव करना है, ठीक है। छोटा सा सिग्नल है उसको आपको एम्पलीफाई करना है,
एम्पलीफाई करने में काम आता है ट्रांजिस्टर, पास ऑन में आती है, एम्पलीफाई करने में, स्विच करने में, है ना, लॉगरिथम्स बेसिकली क्रिएट करने में, है ना। जैसे अभी हम लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे ना बेटा, तो लॉजिक गेट्स में आपका ट्रांजिस्टर यूज आता है। चलो स्टार्ट करें लॉजिक गेट्स। यस सर, यस सर, तो जो अभी तक पढ़ा है वो समझ में आया? इसमें कोई डाउट है? रेक्टिफायर यस सर, आ गया समझ, यस सर, आ गया, से ना बेसिक है बिल्कुल, इस पे क्वेश्चन जब करेंगे थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, करें कंटिन्यू। यस सर। अभी तो पहले आपकी आवाज नहीं आ रही थी, अभी आई है जस्ट। आ रही है आवाज? एम आई ऑडिबल? क्लियर है आवाज? यस सर, यस सर। ओके, स्टार्ट करते हैं लॉजिक गेट्स को। तो भाई लॉजिक गेट्स जो है बेसिकली ओके हाँ, तो लॉजिक गेट्स जो है आपके वो काम करते हैं बुलियन एलजेब्रा पे। ठीक है, ये एक ऐसा तरीका है बेसिकली जो मिस्टर ऑब्वियसली बहुत बड़े हमारे जो साइंटिस्ट थे, है ना, जॉर्ज बूल करके, उन्होंने दिया था 1854 के अराउंड, है ना। तो ये एक तरह से मतलब बेसिकली रीजनिंग बताता है ना, मैथमेटिकल फॉर्म है ये, है ना, मैथ्स की बात कर सकते हो आप। तो लॉजिक गेट बेसिकली सर्किट ही है और कुछ नहीं है, इट्स अ डिजिटल सर्किट जो कि कुछ ऑपरेशंस, लॉजिकल ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, है ना, ताकि वो प्रोड्यूस कर सके सिग्नल को एक बाइनरी आउटपुट में। बाइनरी आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए लॉजिक गेट्स का यूज किया जाता है। तो इट इज अ सर्किट, डिजिटल सर्किट यूज टू प्रोड्यूस सिंगल बाइनरी आउटपुट। अब बाइनरी क्या होता है वो बताऊंगा मैं, पर आपको आउटपुट समझ में आता है क्या? क्या आपको आउटपुट समझ में आता है? आउटपुट होता क्या है? इनपुट आउटपुट। यस जैसे मान लो तुमने किसी भी चीज, किसी भी कोई, तुमने एक मशीन बनाई, है ना, सर बिल्कुल लेमेन टर्म से बात करते हैं, तुमने एक मशीन बनाई, तुमने उसको बहुत सारे काम दे दिए, पर अगर वो उन सबको काम को एक डायरेक्शन में करके एक एक रिजल्ट दे रही है, कॉमन रिजल्ट दे रही है ना, तो वो बेसिकली आपका लॉजिक गेट की तरह काम कर रहा है, ऐसा आप समझ सकते हो। उसको लॉजिक गेट्स नहीं बोलेंगे ऑब्वियसली, लेकिन वो एक तरह से लॉजिक गेट की तरह काम कर रहा है। तो बाइनरी आउटपुट होता है, मतलब बाइनरी जो लैंग्वेज है मिस्टर बूल ने जो हमें दी थी, जॉर्ज बूल ने, है ना, वो बुलियन एलजेब्रा का पार्ट है। उसमें हम डील करते हैं केवल दो नंबर से, विच इज 0 एंड 1। ठीक है, तो लॉजिक्स हैं बेसिकली, ये लॉजिक नंबर 1, लॉजिक 1, लॉजिक 0, है ना। तो ये सिग्नल्स की तरह हम इसको यूज करते हैं, जिसमें कि हम एक यूनिटी में, मतलब यूनिफाई करके हम अपने आउटपुट को स्टडी करते हैं। यानी कि हमने दो तीन चीजें बोल दी लॉजिक गेट को करने के लिए और उसने एक सिंगल आउटपुट निकाल के हमें दे दिया। ठीक है, ये काम होता है लॉजिक गेट का। जैसे कि मान लो मैंने उसको बोल दिया, एक तरफ से तो मैंने बोला उसको कि आप, है ना, स्विच को ऑन रखो, मेरे सर्किट में आप स्विच को ऑन रखो, और एक तरफ से मैंने बोला आप स्विच को ऑफ रखो। ठीक है, दो तीन सिग्नल और दे दिए सिमिलर तरह के, लेकिन आपको चाहिए तो आउटपुट एक ही है ना। स्विच अगर ऑन रहेगा तो मान लो बल्ब जल जाएगा, स्विच ऑफ रहेगा तो बल्ब नहीं जलेगा। तो तुमने लॉजिक गेट का इस्तेमाल किया सर्किट में और तुमने ये डिटरमाइन किया कि भाई तुम जो भी सिग्नल्स दे रहे हो उनका कॉम्बिनेशन बन के एक आउटपुट आ रहा है। बात समझ में आ रही है? तो या तो आपका बल्ब ऑन है या ऑफ है, या तो ऑन है ऑफ है, दो ही चीजें हो रही है। ठीक है, लेकिन तुमने इनपुट तो बहुत सारे दिए थे, इनपुट्स तो आपने बहुत सारे रखे थे, तो लॉजिक गेट ने क्या किया, उसको एक बाइनरी, सिंगल बाइनरी आउटपुट में कन्वर्ट कर दिया, है ना। बाइनरी आउटपुट यानी ऑफ, बाइनरी आउटपुट का मतलब क्या होता है, या तो ऑफ या ऑन, यानी कि या तो 0 या 1, इसमें 0 होता है या 1 होता है। जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं ना, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, कोडिंग वगैरह सुना होगा आपने ना, मोस्टली सब चीजें प्रोग्रामिंग से ही होती है आजकल तो, है ना, अरे सुना है ना, तो वो भी इसी चीज पे काम करते हैं, है ना, बाइनरी पे ही काम करते हैं। आपका जो कोड होता है वो इसी चीज पे रन होता है, इसी चीज पे मतलब प्रोग्राम किया जाता है, या तो आइदर इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ 0 और इन द फॉर्म ऑफ 1। ठीक है, इसको समझते हैं आगे, थोड़ा बहुत इसके बारे में लिखते हैं।
सो इट वर्क्स ऑन बुलियन एलजेब्रा ना, जॉर्ज बूल ने दी थी ये, इनका नाम था जॉर्ज बूल, 1854 के अराउंड दी थी इन्होंने ये, है ना, काफी प्रसिद्ध है वो इस चीज के लिए, राइट तो ये बेसिकली रीजनिंग के बारे में हमें बताता है, यानी कि किसी तरह की मैथमेटिकल फॉर्म ना, मैथमेटिकल लॉजिक, मैथमेटिकल फॉर्म या मैथमेटिकल लॉजिक के बारे में हमें बताती है ये, ठीक है। तो इट वर्क्स इन टू वेज, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या सिग्नल के लिए, फॉर एनी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या सिग्नल के लिए कैसे ऑपरेट किया जाता है ये, या तो आपको दो तरह के इनपुट्स मिलेंगे, दो तरह के आउटपुट्स मिलेंगे, या तो लॉजिक नंबर वन होगा या होगा लॉजिक जीरो, ठीक है, या तो वन होगा या जीरो होगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए लॉजिक वन का मतलब जैसे कि हम ले लेते हैं क्लोज स्विच, क्या ले रहे हैं बच्चे, इसका मतलब क्लोज, है ना, किसी सर्किट में क्लोज स्विच को हम लॉजिक वन बोल रहे हैं मान लो, और ओपन स्विच को हम क्या बोल रहे हैं, लॉजिक जीरो, ना, जीरो का मतलब है ओपन स्विच और वन का मतलब है क्लोज स्विच, है ना, इस तरह से डील किया जाता है इस सर्किट में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में या सिग्नल में, बात समझ में आई। इसको अभी थोड़ा एग्जांपल्स की तरह लेंगे तो और समझ में आएगा ढंग से, नई चीज है लेकिन बहुत ईजी है। जैसे कि मैंने मान लो बोल दिया हाई वोल्टेज, मैंने बोल दिया कि मेरा इनपुट है हाई वोल्टेज, तो वो मेरा हो गया एक तरह से लॉजिक वन, तो तुम बहुत इजीली बता दोगे कि अगर लो वोल्टेज है तो वो किस में आ जाएगा, लॉजिक जीरो में, yes, sir. तो इसमें दो ही चीजें होती है बेटा, ऐसा नहीं होता इसमें कुछ मीडियम वोल्टेज भी तो हो सकता है सर, तो वो कोई आपका फिर उस तरह से डिजाइन नहीं होगा, फिर आपको उसको अलग लेयर में डालना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन दो ही रिजल्ट आएंगे, या तो हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज। हाई वोल्टेज अगर आप बोल रहे हो तो लॉजिक वन, और आपका जो मतलब जो सर्किट है वो इस तरह से रीड करेगा उसको, और जो लो वोल्टेज है उसका मतलब है लॉजिक जीरो। अब ये ऑपरेट कैसे होते हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार अच्छे से समझ लेना। ये वर्क करते हैं लॉजिकल एडिशन पे, जैसे लॉजिकल एडिशन आपका बहुत इजी है समझना। लॉजिकल एडिशन में क्या होता है, अगर आप जीरो को जीरो से ऐड कर रहे हो तो इसका आंसर कितना आएगा, जीरो। क्या आंसर आएगा इसका, जीरो। जीरो एडिशन की बात हो रही है, अगर आप जीरो को वन से ऐड कर रहे हो तो इसका आंसर आएगा वन। वन अगर आप वन को जीरो से ऐड कर रहे हो तो क्या आंसर आएगा, वन। वन अगर आप वन को वन से ऐड कर रहे हो तो क्या आंसर आएगा, टू। नो नो, टू नहीं आएगा, इसका आंसर क्या है, वन। इसका आंसर आएगा वन, ठीक है, समझो। ये अगर समझ लिया तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बाइनरी यूज होती है, ये बात समझ में आई, या तो वन यूज होगा या जीरो यूज होगा, या तो वन यूज होगा या जीरो यूज होगा, यानी कि मतलब या तो है या नहीं है, बात समझ में आ रही है। जैसे मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा, बेटा फिजिक्स आती है क्या, तो तुम बोलते हो सर आती तो है पर थोड़ी दिक्कत आती है, कभी क्वेश्चन पढ़ते हैं तो समझ नहीं आता। फिर मैं तुम्हें बोलूंगा अरे इतना सब कुछ नहीं बताना, आती है या नहीं आती है, जीरो या वन। तुम बोलोगे आती है तो मैं वन लिख दूंगा, अगर तुम बोलोगे नहीं आती तो मैं जीरो लिख दूंगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको, yes, sir. Yes, sir. इसमें वन प्लस वन टू नहीं होता, टू एग्जिस्ट ही नहीं करता इसमें बुलियन एलजेब्रा में, या तो जीरो आएगा वन आएगा। वन प्लस वन का मतलब क्या हो सकता है, फिजिक्स की लैंग्वेज में समझते हैं, सर्किट की लैंग्वेज में समझते हैं। वन प्लस वन का मतलब हुआ कि एक तरफ से सिग्नल आ रहा है कि स्विच ऑन है और दूसरी तरफ से सिग्नल आ रहा है कि स्विच ऑन है, तो आउटपुट क्या देगा आपको, वो स्विच ऑन है। ऑन है तो स्विच ऑन का मतलब तो वन हुआ ना कि जीरो हुआ, वन। वन एडिशन जब हम करेंगे, एडिशन तो हमेशा याद रखना वन प्लस वन क्या होगा, हमेशा वन होगा, वन ना, यानी कि स्विच ऑन है, या तो स्विच
ऑन है या स्विच ऑफ है। जैसे 0+0 में हमने क्या बोला, एक सिग्नल बोल रहा है स्विच ऑफ है, दूसरा भी बोल रहा है ऑफ है, तो फाइनल आंसर क्या आया कि आउटपुट क्या आया आपका कि हाँ भाई स्विच क्या है, ऑफ ऑफ है ना। तो इस तरह से इसको समझा जाता है। ठीक है, आगे चलें। यस सर। चलो भाई, तो ये कॉन्सेप्ट है ना, कितने भी वेरिएबल्स के लिए हो सकता है। पहली बात तो दिस कॉन्सेप्ट कैन बी यूज्ड फॉर एनी अमाउंट ऑफ वेरिएबल्स। एनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स इतना ज्यादा बेटर होगा। एनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप इसको ऐसे लिखते हो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो आप इसका आउटपुट एक ही निकालोगे, है ना। समझ में आया? एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं ले रहा हूं 0+1+1+0, तो आंसर क्या आएगा? 1। समझ में आ रही है? तो इस तरह से ऑपरेट होता है, कितने भी वेरिएबल्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो भाई इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो मैथ्स में हमने पढ़ा था ना एलजेब्रा में, सेम उसी तरीके से इसकी भी प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे कि ये फॉलो करता है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, इसको अलग कलर से लिख लेते हैं। a+b = b+a। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बचपन की चीजें याद है लड़की को। a+b = b+a है ना, ये आपकी क्या होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना। बहुत इजी भी है समझना। अरे 1+2 = 2+1 ही तो होगा ना, यस सर, है ना। तो यहाँ पे हमारे वाले एलजेब्रा में क्या हो जाएगा, 0 1+0 = 0+1, यस सर, है ना। तो ये हो गया आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसके अलावा आपका बूलियन एलजेब्रा जो है वो फॉलो करता है। अच्छा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ये भी आ जाता है, केवल एडिशन ही थोड़ी ना आएगा। अरे केवल एडिशन ही थोड़ी आएगा, a.b = b.a। ठीक है, इसके अलावा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? a+b+c = क्या हो जाएगा? a+b+c। ठीक है, इस तरह से भी आप लिख सकते हो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, एसोसिएट करके आप लिख रहे हो बेसिकली। ठीक है, समझ में आता है ये चीज? यस सर। अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो ए डॉट बी, इसको अगर आप इसके साथ क्लब कर रहे हो तो इसका मतलब इसको आप इसके साथ भी क्लब कर सकते हो। समझ में आता है? यस सर। यस सर। फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एज वेल। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी याद आ रही है क्या होती है? यस सर। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी याद आ रही क्या हो रही है? a(b+c) क्या हो सकता है ये? a(b+c) है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी डिस्ट्रीब्यूट करके भी लिख सकते हो आप इसको। a को b के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड तो करोगे सही, फिर a को c के साथ मल्टीप्लाई कर दो। सॉरी, यहाँ bc नहीं आएगा, ac आएगा शायद। यस, ac आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? ac ac। ठीक है, आगे चलें। Yes, यहाँ तक समझ में आया भाई? Yes, sir. तो लॉजिक गेट की अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहेंगे तो आप समझ में आ गए। लॉजिक गेट क्या होता है? इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विद टू और मोर इनपुट सिग्नल्स एंड वन कॉमन आउटपुट सिग्नल। ठीक है, क्या है भाई लॉजिक गेट? यहाँ पे लिख भी देता हूं मैं आपके लिए। चलो, लॉजिक गेट क्या हुआ भाई? इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट with two or more inputs, two or more input signals and one
क्या होता है एक आउटपुट सिग्नल। हाँ, वन क्या होगा आउटपुट सिग्नल। सिग्नल ठीक है। जैसे कि अगर हम इसको डायग्राम वाइज समझें तो यहाँ पे तुमने अपना जैसे लॉजिक गेट इसको बना दिया कुछ ऐसे, तो यहाँ से सिग्नल आया तुम्हारे पास, यहाँ से आया सिग्नल, यहाँ से सिग्नल आया, लेकिन जो आउटपुट जाएगा वो कितना रहेगा भाई, वन आउट है ना। जैसे कि यहाँ पे करंट आया आई वन, यहाँ से करंट आया आई टू, यहाँ से करंट आया आई थ्री, लेकिन ये करंट आई फोर जो है आपका वो एक कॉमन आउटपुट है। ये बात समझ में आती है? यस सर। बाकी ये सारे क्या है, इनपुट से है, इनपुट है ये सारे। ठीक है, चलें भाई आगे चलें। यस सर। क्लियर है क्या यहाँ तक? यस सर। ठीक है, अब इसके टाइप्स पढ़ लेते हैं। ठीक, फर्स्ट टाइप जैसे इसका होता है और ये ओआर गेट ना, इसको ओआर गेट भी बोलते हैं। लेट मी जस्ट पुट इट अप इन द कलर। ठीक है, ओ आर गेट सिंबल सबको यहाँ पे दिख रहा होगा, दिस इज योर सिंबल है ना, दिस इज हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड। ए बी दो सिग्नल और सी क्या हो गया आपका आउटपुट सिग्नल है ना, ये हो गया आपका आउटपुट। कूल, कैसे वर्क करता है भाई, सबके एक फॉर्मूलाज होते हैं। ठीक है, सबके एक कॉमन एल्गोरिदम, कॉमन फॉर्मूलाज होते हैं। तो इसका क्या होता है, क्यू इक्वल्स टू ए प्लस बी। ठीक है, क्यू यानी आउटपुट, इसको आप सी भी लिख सकते हो, सिंस हम यहाँ पे सी यूज कर रहे हैं तो बेटर सी लिखें ताकि कंफ्यूजन नहीं हो तुम्हें, सी। ठीक है, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। कूल, तो क्या कैसे वर्क करता है ये, यानी कि ये हमने पढ़ा हुआ है अभी थोड़ी देर पहले लॉजिकल एडिशन। यस सर। लॉजिकल एडिशन पढ़ा हुआ है, यानी कि अगर मैं डालूंगा ए और बी की जगह वन डालता हूँ, जैसे ए की जगह इनपुट मैंने दिया ए को वन और बी को इनपुट दिया जीरो, तो क्या आंसर आना चाहिए मेरा, वन आना चाहिए क्या? यस सर। है ना, अगर मैंने इनपुट दिया ए को जीरो और बी को भी जीरो, तो क्या आउटपुट क्या आना चाहिए, जीरो। अगर इसको दिया वन और इसको भी वन तो क्या आउटपुट आना चाहिए, वन है ना। और अगर मैंने इसको दे दिया वन और इसको दे दिया, सॉरी इसको दे दिया जीरो, इसको दे दिया वन, तो भी क्या आंसर आएगा, वन ना। इसको बोलते हैं तुम्हारी ट्रुथ टेबल, क्या बोलते हैं इसको, ट्रुथ टेबल। ठीक है, यहाँ पे बनी भी हुई है देखो राइट में, यस सर। तुम्हारी मेन चीज है, इसको तुम्हें मेनली इसी को बनाना है। ठीक है, देखो जीरो इनपुट दिया ए को, इसको बी दिया, बी को भी जीरो दिया, तो सी में आउटपुट आया जीरो। तो इसका बेसिकली क्या मतलब हुआ कि आपके सब ऑलमोस्ट हर आपके ऑप्शंस में, केसेस में वन ही आउटपुट आने वाला है, केवल एक ही में आएगा जीरो, जिसमें कि आप दोनों में दोनों इनपुट्स को क्या कर दो, जीरो कर दो, क्या कर दो बोलो बेटा, जीरो कर दो, दोनों इनपुट्स जीरो कर दो। ठीक है, तब आएगा केवल आपका ये। ठीक है, तो ऐसे वर्क करता है। तो ये ट्रुथ टेबल जो बनाई है ना हमने, ये ही बनानी तुमको मेल। अब अगर तुम्हें समझना है कि ये दिखता कैसा है तो मैं वो समझा देता हूँ। बेसिकली ये अगर वैसे तो इसका कोई काम नहीं आने वाला तुम्हारे, है ना, फिर भी अगर आपको समझना है तो ये कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ से कुछ रेजिस्टेंस आया और ये तुमने कनेक्ट कर दिया बेसिकली एक ट्रांजिस्टर से, ट्रांजिस्टर को बड़ा बनाते हैं थोड़ा। ऐसा दिखता है ये ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो ये कुछ दो तीन तरह के होते हैं, एनपीएन है ना, पीएनपी ये होते हैं,
ट्रांजिस्टर्स में क्या होता है बेसिकली, जैसे पीएन जंक्शन में हम पी और एन यूज कर रहे थे ना, बस पी और एन यूज कर रहे थे ना, आवाज आ गई मेरी, है सर, यस सर आ रही है। ना? तो जैसे कि अगर हम ट्रांजिस्टर की बात करते हैं तो उसमें हम दो से ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है, जैसे एन टाइप, पी टाइप, एन टाइप, तीन यूज कर लिया हमने, ठीक है। तो इसमें बेस होता है, एमिटर होता है, कलेक्टर होता है, ठीक है। ये आपका जिसन सब नहीं है पार्ट, तो मैंने नहीं पढ़ाया आपको, ठीक है, पर तीन टर्मिनल्स होते हैं एटलीस्ट, कम से कम तीन टर्मिनल्स होते हैं, जिसमें दो थे ना पीएन में, है यस सर, ना, तो उसमें तीन होते हैं, एन पी एन, है ना, बीजेटी भी होता है, ठीक है। तो ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट अगर आपको समझना है तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये दिखता कैसा है बेसिकली, अगर आपको कहीं आ जाए, दिख जाए, तो ऐसे घबराना नहीं है उससे, ठीक है। तो ये इनपुट्स के लिए हम दो बना देते हैं, एक यहाँ से आ गया, एक यहाँ से आ गया, यहाँ से ये कहीं कॉमन मिल रहा है यहाँ पे, और फिर ये आपका कॉमन आउटपुट दे रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे कुछ इसका कुछ आ गया आउटपुट, इनपुट आपने दे दिया यहाँ से, और यहाँ से मान लो कि ये ऐसे कनेक्टेड है, तो ये कुछ आउटपुट आपको दे देगा, ठीक है। ये बेसिकली मैंने आपको उसका सर्किट बना के बताया, लॉजिक गेट का, समझ में आ रही बात क्या बनाया हमने, है ना। सर इसको समझना नहीं है, बस मैं आइडिया दे रहा हूँ कि अगर दिखे कहीं पे तो घबराना नहीं, ठीक है। सिलेबस का पार्ट नहीं है ट्रांजिस्टर, तो उसका कोई काम भी नहीं आएगा, अभी अभी हटाया नहीं तो नहीं पूछने वाले आप लोगों से वो, है ना। लेकिन ट्रुथ टेबल समझ में आई नहीं आई, क्योंकि वो आपसे पूछने वाले हैं, समझ में आई, यस सर। ठीक है, आगे चलें। सर ए और बी की वैल्यूज होंगी जो, वो इन हाँ, चारों में से ही होंगी बस। क्या क्या हो सकती है सोचो, क्या क्या हो सकती है तुमको सोचो ना, बाइनरी में और क्या दे पाओगे आप, अगर दो ही हैं केवल ए और बी, दो आपके पास इनपुट्स हैं, तो आप कैसे दे सकते हो, और इसके अलावा कुछ और दे पाओगे क्या, सोचो, देख के बताओ मुझे, अगर कुछ और आ रहा तो, नो सर, नहीं आ रहा ना। सर नो सर। हाँ बोलो। सर ये जो सर्किट बनाया है ये सर्किट याद रखना है। नहीं ओके सर, नहीं रखना, ठीक है, अगर पढ़ते हम ट्रांजिस्टर तो फिर काम में लेते इसको, और याद भी रखते, समझते भी सही और अच्छे से बेसिकली, लेकिन सिंस नहीं है पार्ट सिलेबस का, तो फिर कोई मतलब नहीं है, आगे चले, ठीक यस सर। है। तो अगर, हाँ ये मैं लिखना भूल गया, इस पे बेसिकली किस पे काम कर रहा है, और गेट लॉजिकल एडिशन पे काम कर रहा है, इस पे काम कर रहा है ये, लॉजिकल एडिशन, लॉजिकल एडिशन यूज हो रहा है इसमें, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन यूज नहीं हो रहा है ना, एडिशन यूज हो रहा है, ठीक है। आने वाला जो होगा वो काम करेगा मल्टीप्लिकेशन पे, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन पे। तो सेकंड वाला है आपका एंड गेट, कौन सा है, एंड गेट, ये आपका काम करता है लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन पे। आज हम बिल्कुल बेसिक चीजें पढ़ेंगे, और क्वेश्चन जब भी करेंगे ना हम इसके, तब जो भी आपका कॉम्प्लिकेसीज है ना, तब वो तब डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें मोस्टली चीजें इससे ही रिलेटेड है, आपको ये समझ में आ जाएगा अगर, तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ, कि अगर हम इसका फॉर्मूला लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे भाई, सी इक्वल्स टू ए डॉट बी, क्या हो जाएगा, C is equals to A dot B. ठीक है। तो इसकी अगर मैं बनवाना चाहूँ आपसे टेबल, तो बनवा सकते हो आप, अच्छा ये दिखता कैसे है, इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है, दो आपके इनपुट्स हो गए, एक आपका आउटपुट हो गया, दिख रहा है सबको सिंबल, Yes, sir. Yes, sir. तो बना सकते हैं क्या भाई, हम Yes, टेबल sir. बना सकते हैं इसके, Yes, sir. ठीक है, बनाओ फिर मेरे साथ बनाओ, ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, आउटपुट आ गया आपका, हाँ भाई ए को ले लिया जीरो, बी को ले लिया जीरो, तो ए मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा भाई, आउटपुट जीरो जीरो, जीरो ए को ले लिया जीरो, इसको ले लिया वन, तो भी मल्टीप्लिकेशन में क्या आना चाहिए, जीरो जीरो आना चाहिए,
यस सर, इसको ले लिया वन, इसको ले लिया जीरो, तो भी जीरो आना चाहिए। अगर यस सर, यहाँ पे भी सिग्नल वन है, यहाँ पे भी वन है, तो आएगा आपका वन। वन। तो हमने क्या हाँ नोट किया कि भाई दोनों आपके सिग्नल्स होंगे, एंड इसलिए लिखा ना बेटा इसका नाम एंड, एंड मतलब समझते हो आप, है ना, एंड मतलब समझते हो ना, बुक्स एंड यस पेन, सर, यस सर, है ना, यानी कि बुक्स भी चाहिए और पेन भी चाहिए, है ना। अगर लिख दूं मैं बुक और पेन, तो इसका मतलब क्या है कि या तो अपनी बुक ले आओ या पेन ले आओ, कुछ तो लाओ, बात समझ में आ रही है। यस और सर, यस एंड यस सर, है ना, बहुत इजी है, तो वैसे भी जो वर्ड है उनसे भी समझ में आ जाता है ना। इसका क्या मतलब हुआ कि जब तक आपके दोनों सिग्नल्स में हमें लॉजिक वन नहीं मिलता, तब तक आपका आउटपुट नहीं आने वाला। आई समझ में बात, आगे चले, यस सर, आगे चले किसको, सर मुझे नहीं आई। क्या समझ में नहीं आया बेटा। सर जो आपने अभी अभी बोला ना, अगर वन नहीं आया तो आउटपुट नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप एक में देते हो और एक में नहीं देते, एक में वन दे दिया एक में जीरो दे दिया, यानी एक में स्विच ऑन है एक में ऑफ है, लेकिन एंड गेट क्या बोल रहा है कि ये मल्टीप्लिकेशन पे काम करता है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब ही ये होता है कि अगर आपने एक में भी जीरो दे दिया या एक में भी आपने सिग्नल नहीं दिया, तो वो दोनों मिलके तो कंबाइंड होके तो जीरो ही बनाने वाले हैं ना, आप समझ रहे हो, ए इंटू यस बी, है ना। यस जीरो से मल्टीप्लाई करोगे एनी वे किसी को, इस तरह से समझो ना इसको, कि अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई करोगे किसी भी चीज को, तो क्या आने वाला है आंसर, जीरो ही आएगा सर। आएगा राइट। तो दैट्स व्हाई आपका आउटपुट हमेशा जीरो आएगा अगर दोनों इनपुट आपके नहीं गिवन होते तो, है ना, दोनों इनपुट सिग्नल्स में वन होना चाहिए। खूब, ओके आगे चले। सर, थर्ड यस सर, यस सर, यस सर, वन इज नॉट गेट, ये कैसा दिखता है, ये कैसा दिखता है, ये दिखता है कुछ ऐसा। इसको अगली अगले पेज पे ले लेते हैं। ये दिखता है कुछ ऐसा। अभी जो आगे सर्कल दिख रहा है छोटा सा, यस सर, यस अब इसमें एक ही इनपुट है और एक ही आउटपुट है, एक ही इनपुट है और एक ही आउटपुट सर, एक ही आउटपुट। है। इसका मतलब होता है नॉट, नॉट यानी नहीं, नॉट यानी नहीं होता है ना। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है बी इक्वल्स टू ए बार। क्या फॉर्मूला होता है, बी इक्वल्स टू ए बार। इक्वल टू ए बार। ए बार, बार का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बार। बार का मतलब होता है नेगेशन, है ना, उल्टा, अपोजिट। यानी कि अगर आपका ए है जीरो, तो ए बार कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, उल्टा हो वन, गया, है ना। और ए बार ही तो आपका आउटपुट है बी, बात समझ में आ रही है। यस सर, तो इनपुट जो भी यस होगा सर, उसका उल्टा आउटपुट आएगा, इनपुट जो भी होगा उसका उल्टा। आउटपुट आएगा, इजी है, यस सर, इजी, सबसे इजी ही लग रहा है अभी तक, है ना। अगर ये समझ में आ गया तो बार का मतलब, है ना। फोर्थ वाला होता है आपका नॉर गेट, नॉर गेट ऐसा नहीं लग रहा कि पढ़ा हुआ है पहले, मतलब जो पढ़ा हुआ है पहले उससे रिलेटेड लग रहा है कुछ, यस सर, इससे यस सर, इससे। सर नॉट और को मिला के। यस हाँ, दिस इज इन कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट प्लस और। कूल, सर, इस यस सर, और में तो होता था कुछ ऐसा, है ना, और नॉट में होता था कुछ ऐसा, है ना। यस सर, दोनों का कॉम्बिनेशन तुमने बना दिया है। दिस इज नॉट नॉर गेट, दिस इज इस सिंबल, ओके ओके, दिस इज एन एंड गेट, सॉरी, दिस इज नॉट आपका नॉर गेट,
दिस इज एन इंडिकेटर, मैं तभी सोचो ये सिंबल उल्टा बना हुआ है। पहले नॉर गेट पढ़ेंगे, पहले ये वाला पढ़ेंगे, ये वाला है आपका नॉर गेट, दिस इज फिफ्थ नंबर ना। हाँ फिफ्थ वाला नॉर गेट, ठीक है। किस किस का कॉम्बिनेशन है ये? नॉट और का। नॉट और का तो दिखना है आपको, डायग्राम समझ में आ रहा है ना? यस सर, यस सर। दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया है, दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया है, इस वाले का प्लस इस वाले का, ठीक है। इसका कॉम्बिनेशन है, दिस इज योर नॉट गेट, ठीक है। अब ये वर्क कैसे करेगा, अब ये वर्क कैसे करेगा? इसका फॉर्मूला होता है सी इक्वल्स टू ए प्लस बी का बार, इसको नोट कर लेंगे। क्या होगा भाई फॉर्मूला? C is equal to C A इक्वल plus टू ए B का प्लस बार, बी का बार। ना? यानी तुम पहले ए प्लस बी निकालो और उसका नेगेशन ले लो। ए प्लस बी क्यों निकाल रहे हैं? और गेट को याद करो, और गेट याद आ रहा है, ए प्लस बी होता था यस सर। यस है ना? और नॉट गेट याद करो, उसमें क्या होता था, क्या सर, बार होती थी उसमें, बार होता था, बार होती। होता था ना उसका फॉर्मूला, है यस ना? सर, तो यस दोनों को सर। मिलाओगे तो सही, तुम नॉट और को, है ना? कॉम्बिनेशन ही तो है उसका एक तरह से, राइट? तो इसको यस कैसे सर, रखा, इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनाएंगे बच्चों? वही एग्जांपल लेते हैं, केस लेते हैं, है ना? फर्स्ट वाला लेते हैं जिसमें ए इक्वल्स टू जीरो है, बी इक्वल्स टू बी जीरो है ना? तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा क्या? यस है ना, जीरो प्लस जीरो जीरो होगा ना भाई। यस सर, तो ए यस प्लस बी का बार क्या हो जाएगा, उल्टा क्या हो जाएगा इसका, सर, उल्टा जाएगा क्या, है वन। ना? तो जब तुमने ए को जीरो लिया और बी को भी जीरो लिया, तो तुम्हारा आउटपुट क्या आया, वन वन उल्टा है ना बेटा? ए प्लस बी जीरो आया तो ए प्लस बी बार हुआ, तो यस सर, जो है तुम्हारा सी आउटपुट, यही तो है ना? सेकंड केस में सीधे वो लास्ट वाला लेते हैं, ए इक्वल्स टू बी वन है और बी इक्वल्स टू बी वन है, तो इसमें ए प्लस बी कितना आना चाहिए, वन आना वन चाहिए। वन ए प्लस बी बार कितना आना चाहिए, जीरो 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 आ रहा है, जीरो, है यस सर, यस सर, यस सर। ना? इसी तरह से सिंस ये लॉजिकल एडिशन पे काम करता है ए प्लस बी और गेट, तो हर बार चाहे आप जीरो प्लस वन ले लो, चाहे आप वन प्लस जीरो ले लो, आएगा तो वन ही है ना? यस सर, इस यस सब का उल्टा क्या होता जाएगा, इस सब का उल्टा क्या होता जाएगा, जीरो, है सर, जीरो, ना? इन सब का बार जो है क्या होता जाएगा, जीरो होता जाएगा, ठीक है? तो इसलिए इसलिए एनओआर गेट में केवल एक ही केस ऐसा होता है, केवल एक ही केस ऐसा होता है जिसमें कि आपका आउटपुट वन वन आ, आता है ना? और वो कौन सा केस होता है, जब दोनों इनपुट्स क्या हो जाएं, जीरो जीरो हो जीरो जाए। चलो बहुत बढ़िया, एन इंडिकेट देखते हैं आगे वाला। एन इंडिकेट ऐसा नहीं लग रहा कि ये भी कॉम्बिनेशन है यस सर, किसका, सर एंड और नॉट का। वेरी गुड, दिस इज एंड प्लस, एंड प्लस नॉट नॉट, ठीक है? यानी नॉट प्लस एंड लिख लो, एक ही बात है ना? तो देखो इसमें भी कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, ये वाला एंड था तो यस सर, तुमने इसको ऐड कर दिया नॉट को, ठीक है? तो ये ऐसा बन गया। तो इसका फॉर्मूला सोच के बता सकते हो क्या होगा, इजी है। सर ए डॉट बी का बार, वेरी गुड, क्या बन जाएगा ये, ए ए डॉट डॉट बी, बी का बार, सी सी इज इज इक्वल इक्वल टू टू ए ए डॉट डॉट बी का बार। बी। अब इससे क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये हर बार वन देने वाला है, ये केवल तब जीरो देगा जब ए भी वन हो जाए और बी भी वन हो जाए, ताकि इनका आंसर वन आ जाए और इसका बार, वन का बार कितना हो जाए, जीरो जीरो हो जाए। जीरो एक ही केस में जीरो देगा ये, जिसमें कि इनपुट दोनों क्या हो जाए, वन वन। वन स्क्रीन चली गई है क्या? नो सर, नो सर, अब नो सर, चलेगी।
अब चली गई सर। एक सेकेंड वेट कर। आवाज आ रही है क्या मेरी बच्चों? यस सर, यस सर, ओके स्क्रीन दिख रही है? यस सर, ओके चलो भाई, तो समझ में आया वाला? ठीक यस सर, है चलो भाई, एक लास्ट है इसको पढ़ लेते हैं। ओके द लास्ट वन इज एक्स एन ओ आर गेट। एक्स एन ओ आर है ना, नॉर में हमने बेसिकली एक्स को ऐड किया है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, इसको नोट कर लो। सी इक्वल्स टू ए डॉट बी। अब थोड़ा ऑब्वियसली थोड़ा डिफिकल्ट तो होगा ना बेटा, अभी तक तो सब सिंगुलर में चल रहा था, अब हम ऐड करेंगे सब चीजों को। ए डॉट बी का बार, तो अगर इन दोनों को आप ऐड कर दो, ए डॉट बी और ए डॉट बी के बार को, तो एक्स एन ओ आर बनता है। ठीक है, ये भी बहुत ईजी है समझना। ये लास्ट वाला देख लेते हैं, वन और वन, तो अगर हम ए की जगह वन ले लें और बी की जगह वन ले लें, तो ए डॉट बी तो वन हो जाएगा। हाँ ना बोलो। यस सर, यस सर, ए डॉट बी का बार, ए डॉट बी, जीरो और जीरो। हाँ ठीक है, ये कॉम्बिनेशन बनाते हैं हम सबसे पहले, तो इसको ये बेसिकली दिखेगा कैसा, ये बनाते हैं हम कॉम्बिनेशन। ये आपका कुछ ऐसा दिखेगा, एक्स एन ओ आर है इसमें, तो एक तो एन ओ आर है, अगर मैं कॉम्बिनेशन देता हूं तुमको एक, तो इसका इनपुट बताना। एन ओ आर गेट याद आ रहा है सबको कैसा दिखता था? यस यस सर, सर, यस सर, ये कौन सा बनाया मैंने? एनओ आर गेट, और ये कौन सा बनाया है? एनडी मतलब एंड गेट, एंड एंड। एंड गेट, ठीक है, समझ में आ रहे हैं ना दोनों? यस यस सर, सर, यस सर, और यहां से एक कॉमन सिग्नल आया, लेट से एक कॉमन सिग्नल आया, यहां से हम दे रहे हैं बी वाला, और यहां पे हम दे रहे हैं ए वाला। ठीक है, और इसका कॉम्बिनेशन आपको यहां पे दिख रहा है, ऐसा कुछ दिखता है। वाईफाई गया मेरे भाई, आवाज आ रही है क्या मेरी? एम आई ऑडिबल? यस सर, ओके एक काम करते हैं, तुम्हारी क्लास का टाइम भी हो गया है, सिग्नल्स नहीं आ रहे, इसको कंटिन्यू करते हैं लास्ट वाले को। ठीक है, अगली क्लास में इसको लास्ट वाले को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इस पे कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं, यस सर, इससे कंटिन्यू करेंगे। आपको एन ओ आर तक समझ में आया सबको? एन ए एन डी और एन ओ आर तक, यस सर, ये वाला तो समझ में आ गया ना, फर्स्ट और ए एन डी, एन ए एन डी, एन ओ एट, एन ओ टी सॉरी, और एन ओ आर, ये समझ में आ गया ना पांचों? तो यस यस सर, यस से सर, कंटिन्यू करेंगे एक्स एन ओ आर से नेक्स्ट क्लास में, है ना? तो तुमको एक तो ये होमवर्क करके लाना है, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है, ये तो कर लोगे तुम, है ना? और साथ में नोट्स रिवाइज करके आना, मैं आपको आज शेयर कर दूंगा लॉजिक गेट्स के। आप कुछ क्वेश्चन लगा सकते हो, जितना बेसिक क्वेश्चन है ना जो आप लगा सकते हो, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे, तो आप कल पढ़ने के बाद बाकी जितने भी बचेंगे ना वो आप लगा पाओगे। ठीक है, तो आई विल शेयर द डीपीपी एज वेल, सेमीकंडक्टर की है ना डीपीपीएस तुम्हारे पास, उसमें ही है लॉजिक गेट्स के क्वेश्चन। ठीक है, वो लगा लेना आप जितने लगा पा रहे हो। बात समझ में आई?
इस चैप्टर की डीपीपी नहीं है। सेमीकंडक्टर की है, नहीं सर, वो भी तो यही चैप्टर है, यही तो सेमीकंडक्टर की नहीं है डीपीपी। चलो मैं पी सेंड वाई करूंगा, क्यू उससे भेज मिल जाएंगे देना। तुम्हें। पीवाईक्यूज भेज दूंगा, डीपीपी भी भेज दूंगा, तो उसमें लॉजिक गेट्स की क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, ओके सर। ठीक है। किसी को कुछ पूछना है, एनी डाउट्स? नो सर, नो सर, ओके, अगली क्लास में मिलते हैं। यस सर। बाय बाय।